अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमीरपुर के निजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बिलासपुर जिला के कॉलेज के अर्थशास्त्री बलवंत डिडवालिया ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश संयोजक नवीन शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य अतिथि अर्थशास्त्री बलवंत डडवालिया ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा 9 जुलाई 1950 को अपना संघर्ष शुरू किया था और आज विश्व का नंबर एक संगठन बन गया है। उन्होंने बताया कि आज के दिन भी एबीवीपी को और आगे ले जाने के लिए काम किया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। बहुत लंबे समय के बाद मेरा किसी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होना हुआ। बहुत आनंद महसूस हुआ कि आज स्थापना दिवस पर मैं अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित रहा। बहुत काफ़ी मतलब अच्छे कार्यकर्ता मैंने देखा, तो उसमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। विद्यार्थी परिषद का तो सब सार्वजनिक सारा पता है सबको कि क्या गतिविधियाँ करते हैं। विद्यार्थी परिषद रक्तदान शिविर करते हैं, प्रकल्प चलाते हैं, हमारा अंतर्राज्य एक बहुत बड़ा संगठन सील करके स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग करके एक प्रकल्प चलता है, तो हम आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान दूसरे प्रांतों के लोगों के साथ भी होता है। आज के बस अपना जीवन और संघर्ष जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया था 9 जुलाई 1949 को, आज हम बहुत विश्व का नंबर वन संगठन बना, इसके सोच करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, हौसला हो जाता है कि हमारा जो राष्ट्रवादी संगठन है आज विश्व का नंबर एक संगठन बन गया है। अब अगर हो करना हो तो हो भी जाने चाहिए, कोई इसमें बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि चुनावों से ही सब कुछ होता है। मैं कहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद तो प्रकल्पों से, अपने सामाजिक काम से, कंस्ट्रक्टिव काम से, रचनात्मक कार्यों से हमने इतना बड़ा संगठन जो है वो खड़ा कर लिया है, तो जरूरी नहीं है कि सारा चुनाव पूछा है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं जहाँ पे चुनाव नहीं होते, तो वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन चुनाव भी हो जाए तो चुनाव भी लड़ना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हो जाने चाहिए चुनाव, पर वो एक सीमा तक ठीक रहने चाहिए।